करने वाली हूँ मैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं खाने वाली हूँ ब्लूबेरी स्मूथी या फिर मिल्क शेक, क्योंकि आप लोगों को पता है ब्लूबेरी ब्लू नहीं होता, पर्पल होता है। तो मम्मी शायद मेरे लिए वही बनाएगी। तो चलो, और एक बात मैं कह देना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें मैं फूड कलर यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये है यूजिंग ओनली पर्पल, तो मुझे कुछ भी पर्पल यूज़ करना तो चलेगा, तो इसीलिए मैं फूड कलर यूज़ कर सकती हूँ। और पर्पल का सिर्फ एक ही शेड नहीं होता, पर्पल के बहुत सारे शेड होते हैं, उसमें से मैं जो भी चाहूँ वो भी वही यूज़ कर सकती हूँ, चाहे वो बैंगनी कलर हो या फिर लाइलैक हो। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। बाद मुझे मिला है ये ब्लूबेरी स्मूथी, जो कि पर्पल है, लेकिन कैमरे में नहीं दिख रहा है कि पर्पल है, और मैंने कांच का जार लिया है आपको कलर दिखाने के लिए, वरना मैं दूसरा कोई और पर्पल कलर का ग्लास ले सकती थी। तो देख सकते हो इसका कलर लाइलैक टाइप का पर्पल आया है, तो मैं इसको पी सकती हूँ। और स्ट्रॉ मेरे पास पर्पल नहीं था, इसलिए जो था वही मैं लाई हूँ। ठीक है, मैं स्ट्रॉ यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ही पीऊँगी। जो कि टेस्ट में उतना भी अच्छा नहीं है, और मेरे दांत में भी फंस रहा है, तो कोई बात नहीं। यही आज का हमारा ब्रेकफास्ट है, इसको ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। स्वागत है आपका मेरे पर्पल वर्ल्ड में। मेरे पर्पल वर्ल्ड में क्या क्या पर्पल कलर की चीज है वो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरे पर्पल वर्ल्ड में क्या क्या है। पर्पल हेयर बैंड, पर्पल स्क्रंची, पर्पल शैम्पू, पर्पल कंडीशनर, पर्पल कटोरी जिसमें आज मैं खाने वाली, पर्पल नेल पेंट, पर्पल नेल पेंट रिमूवर, पर्पल बबल्स, पर्पल परफ्यूम, पर्पल कंघी, बॉडी वॉश और पर्पल लूफा। इसकी हालत बहुत खराब है गाइस, वो आप थोड़ा एडजस्ट कर लो। पर्पल स्लिंग बैग। तो यही था मेरा पर्पल वर्ल्ड में पर्पल चीजें। तो अभी मैं नहाने वाली हूँ, और नहाने वाली हूँ इससे और इससे, तो आप लोगों से नहाने के बाद मिलते हैं। अभी हो गई है दोपहर, और मैं आ गई हूँ अपने पर्पल कलर का लंच लेके, अपने पर्पल अलमारी के सामने पर्पल कुर्ती पहन के। तो मैं इस पर्पल से बोल में पर्पल सा
मेरा ये मैगी खाने वाली हूँ और उसके साथ पीने वाली हूँ ये पता नहीं क्या है, मुझे पर्पल कलर का दिखा और मैंने उठा लिया। और आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये आधा क्यों है, क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखा था और सुबह जब मैंने अभी जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो ये आधा खत्म हो चुका था। फिर मेरे पापा ने कहा कि मैंने खाया है। यार आप लोगों के घर में भी ऐसा होता है क्या कि आप कुछ रखते हो और कोई दूसरे आके उसको खा लेता है? तो खैर, तो अभी अपना पर्पल मैगी खाते हैं और लंच स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम बाद में खाएंगे और अभी इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। ये कुछ बेसिल सीड ड्रिंक है ब्लूबेरी फ्लेवर का, देख सकते हो इसमें शायद बेसिल सीड्स है। तो इसमें से कुछ जेली जैसा टेस्ट आ रहा है, लेकिन उतना भी खराब नहीं है। तो अभी इसको और इसको मैं खत्म करती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ इवनिंग के टाइम। तो गाइस, मैंने पहन लिया है मेरी ये पर्पल वाली ड्रेस और अब मैं थोड़ा सा पर्पल चीजों से सजने संवरने वाली हूँ और फिर मैं चलूंगी पर्पल आइसक्रीम खाने। तो देखते रहो वीडियो। आइसक्रीम खाने चलते हैं। पर्पल है गाइस, आप देख सकते हो, आप लोगों को दिखाती हूँ। पर्पल वाला आइसक्रीम फिनिश कर लिया है गाइस। इसका प्राइस ना 70 रुपये है, या तो मुझे दुकान वाले ने मतलब वो मना के 70 रुपये ले लिया है और या फिर इसका ओरिजिनल प्राइस ही 70 रुपये है। लेकिन इतना सा आइसक्रीम 70 रुपये कैसे हो सकता है गाइस? मैं आज ही ये लास्ट खा रही हूँ, इसके बाद कभी नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं कोई अच्छा सा चॉकोबार खा लूँ। तो अभी मेरा ये आइसक्रीम फिनिश हो गया है, अभी मैं घर जाऊँगी और घर जाके पता नहीं मम्मी मेरे लिए क्या पर्पल बनाएगी, वो खाऊंगी। चलो गाइस, डिनर में मम्मी ने मेरे लिए ये बनाया है, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। फिर से आ गई हूँ मेरे पर्पल अलमारी के सामने मेरा पर्पल डिनर लेके। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, मम्मी ने ये कुछ तो पर्पल बनाया है। ये बहुत डार्क पर्पल है, मतलब ऐसा हो रहा है कि जो कलर असली में पर्पल है ना, वो कैमरे में ना थोड़ा अलग कलर, डिफरेंट कलर दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को दिखाया जब मम्मी ये बना रही थी तब ये पर्पल था और मैंने ये अपना पर्पल टी शर्ट पहन के पर्पल अपना बोल लेके आ गई हूँ मेरा पर्पल डिनर के साथ। और मेरे पास है पर्पल पानी, नहीं पर्पल पानी नहीं है, पर्पल मग में सफेद पानी है, सफेद तो नहीं है वो, कुछ भी मतलब पानी का जो रंग होता है वो कलर का पानी। तो अभी मैं पर्पल मग में पर्पल पानी पीकर मेरा पर्पल डिनर खत्म करके मेरा वीडियो को एंड करूंगी। तो अभी खाते हैं मेरा ये पर्पल डिनर। पर्पल डिनर खत्म कर लिया है और अभी मुझे सोना है, सारा दिन इतना
इतना पर्पल पर्पल देखे मेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है। कल सुबह भी शायद मुझे पर्पल दिखना पड़े बाथरूम में, कोई बात नहीं। तो कैसा लगा आप लोगों का मेरा ये पर्पल वाला चैलेंज कमेंट में बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई इंटरेस्टिंग सा 24 चैलेंज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।